लंबी तो खैर बहुत है, बट इस पे जो अतिक्रमण का काम हुआ है वो लगभग 2 किलोमीटर के अंदर अतिक्रमण का काम हुआ है। आप ये देख सकते हैं नदी की स्थिति इस समय पे कैसी बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं सामने यहाँ पे पानी का जमावड़ा है, इसके आगे अगर आप देखेंगे, आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए आगे इसके ऊपर ये पूरा का पूरा घर मकान बनाया जा चुका है और लोग किस तरीके से नदी को पाट पाट करके आगे आ रहे हैं और नदी पे पूरा का पूरा अतिक्रमण किया जा चुका है। आप ये देखिए इस पर आप आगे की तरफ देखिए, ये पूरा का पूरा नदी है, 70 फीट चौड़ी नदी है जिसको पूरा का पूरा कवर कर लिया गया है। कुछ लोगों को संज्ञान में लेते, सरकारी महकमे के लोगों ने संज्ञान में लेते हुए इस पर मुकदमा भी किया था जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है। बावजूद इसके कि न्यायालय का आदेश आ चुका है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से, कुछ अधिकारी ने इस पर दौरा भी किया था, लेकिन शासन प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों के मिलीभगत के चलते अभी तक यहाँ का काम अटका हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। योगी जी का जो एक बड़ा साफ संदेश रहता है कि जो भी अतिक्रमण कर रहा है उसके ऊपर हमारा बुलडोजर चलेगा। हमें लगता है मुँह चढ़ाना इसी को कहते हैं कि न्यायालय के आदेश के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इस नाले के ऊपर, इस नदी को फ्री करवाने के लिए नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि ये संतोष जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि सरकारी नाले पे 1 किलोमीटर से अधिक लंबा अतिक्रमण हुआ है, पूरा मामला क्या है बताएं? देखिए ये मामला ग्राम मुस्तफापुर गौरी के समीप बबरी थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक ग्राम बिंदपुरवा एक सटा हुआ गांव है, बिंदपुरवा और मुस्तफापुर के बीच में एक नदी है जो कनेक्टेड नदी है गड़ई नदी से, लेकिन क्योंकि वो गाँव के बीच से होकर निकलती है तो उसको अभिलेखों में नाला दिखा दिया गया है। 70 फीट चौड़ा है और करीबन करीबन आप मान लीजिए कि करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है जो ग्राम क्षेत्र से निकलती है, उसको पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है। उस पर चपाकल किसी ने लगा दिया, किसी ने हैंडपाइप लगा दिया, पूरी नदी करीबन करीबन खत्म हो गई है नाला। उसमें सरकार ने स्वतः 5 साल पहले 122 बी का मुकदमा दर्ज किया, उसमें निस्तारण भी दे दिया कि सबको अर्थदंड लगाया और सबको खाली करने का आदेश दे दिया। और इस अतिक्रमण को डॉक्टर संजीव कुमार जी जो उस टाइम सदर SDM थे चंदौली, उन्होंने भी दौरा किया, उन्होंने पूरा मुआयना किया, तहसीलदार ने मुआयना किया, उसके बाद भी इसको खाली कराने का आदेश भी दे दिया गया, लेकिन तब तक उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए अयोध्या। अब उसके बाद मैं सक्षम अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, अभी मेरे SDM साहब से 5-7 दिन पहले बात हुई है जो चंदौली सदर के SDM है, उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, अब 3-4 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रहे। अब आपको मुझे बात नहीं समझ में आ रही है कि बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण खोज रहा है, सरकारी जमीन पे कहाँ अतिक्रमण है, यहाँ पे अतिक्रमण 1.5 किलोमीटर लंबा हुआ पड़ा है और मैं इसको बता रहा हूँ कि अतिक्रमण है, लिखित में भी दे रहा हूँ, यहाँ के अधिकारी सोए हुए हैं, पता नहीं ये योगी सरकार के ही कर्मचारी हैं या किसी और पार्टी के से जो है संलग्न कर्मचारी है, ये विचारणीय विषय है। आपको इन बातों पर समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा। पानी रुकने से, नाले में पानी नहीं जाने से आपको बहुत गंदी बदबू गांव में आ रही है, चिकनगुनिया के मच्छर पैदा हो रहे हैं, आपको बता दें कि उसके बाद इतनी बुरी तरीके से वहां बीमारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जबकि बार बार मेरी इस मामले पर कई बार चकियाँ CO से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जो है कि जैसे ही सक्षम SDM इसके लिए फोर्स की व्यवस्था मांगेंगे मैं फोर्स दूंगा और अतिक्रमण को हटवा देंगे, लेकिन इस पर अधिकारियों को जो है कि संज्ञान लेना पड़ेगा, अधिकारी को जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में मैं इस पर बड़ा अभियान छेड़ूंगा और SDM और DM के विरुद्ध जाकर के मैं इस पर जो है धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहा हूं। धन्यवाद संतोष जी। ये देखिए दोस्तों, न्यायालय की कॉपियां हैं जो न्यायालय ने आदेश पारित किया है नदी को खाली करवाने के लिए, जिन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण किया है, ऐसे लगभग 20 से 22 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा था और यहाँ पर आदेश भी आ चुका है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक देखने को नहीं मिली है। अभी तक शासन प्रशासन दोनों के लोग सोए हुए हैं, ऊपर बैठे महकमे के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय यहाँ पर टाइम पास करने के। अभी देखिए किस तरीके से, ये सारी की सारी ओरिजिनल कॉपियाँ हैं, ये हमने कोर्ट से निकलवाई हैं जानने के लिए कि आखिर वास्तव में क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से काम चल रहा। देखिए आप आदेश भी पढ़ सकते हैं, देखिए ये आदेश है जहाँ पे आप देखेंगे कि मुआवजा भी उन्हें देना है, साथ ही साथ उनको यहाँ से हटाना भी, हटाने के लिए भी न्यायालय ने साफ आदेश दिया।